शुरुआती झटकों से उभरा श्रीलंका, मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग और अंत में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को दिया 231 का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज जो हो रहा है मैच भारत और श्रीलंका के बीच, पहला एकदिवसीय मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में। और आज टॉस जीता इस मैच में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने, और पहले उन्होंने गेंदबाजी चुना। धीमी विकेट थी और वो नजर आ रहा था, बॉल बैट पे अच्छी तरीके से आ नहीं रही थी और साथ ही साथ बारिश की भी संभावना थी, लेकिन बारिश हुई नहीं। पहले बैटिंग के लिए उतरे पदुम निशंका और अविष्का फर्नांडो, हालांकि अविष्का T20 में भी शामिल थे लेकिन उनको मैच नहीं मिला था। आज बहुत जल्दी आउट हुए और मात्र एक रन बनाया मोहम्मद सिराज की गेंद पर, वो कैच आउट हुए और उस समय वो तीसरा ओवर चल रहा था और महज श्रीलंका का स्कोर था 7। कुशल मेंडिस ने भी आज निराश किया, केवल 14 रन बनाए। शिवम दुबे की गेंद पर वो आउट हुए। सदिरा समर विक्रमा एक बड़ा नाम है बैटिंग में, लेकिन आज अक्षर पटेल ने उनको भी 8 रन पर चलता किया, कैच आउट करा दिया। चलित असलांका से उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदें धूमिल हो गई, केवल 14 रन पे वो भी चले गए। लेकिन मिडिल ओवर में आप देखिए तो जतिन ने शानदार बैटिंग की, वहां पर 20 रन बनाया और ऐसे में आए दुनित विल्ला लगे। ये विल्ला लगे ने तो कमाल कर दिया आज, इनिंग के टॉप स्कोरर रहे और ज्यादा मैचेस नहीं खेले अभी भी ओडीआई में, और छोटी छोटी पारियां उनकी जो रही, छोटी छोटी साझेदारियां रही हैं। हसरंगा के साथ उन्होंने एक छोटी सी पार्टनरशिप की, हालांकि हसरंगा ने 20 रन का योगदान दिया है वहां पर, 24 रन का। और साथ ही साथ अकेला धनंजय ने भी अच्छा साथ दिया, और ये जो पार्टनरशिप रही ना नीचे के बल्लेबाजों के द्वारा, ये बहुत ही शानदार रही। लग रहा था श्रीलंका 200 नहीं पहुंच पाएगा, एक समय 101 पे 5 विकेट थे, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है दुनित विल्ला लगे ने, और उन्होंने नॉट आउट नाबाद 66 रन बनाए 65 गेंदों में, 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे उनके इस पारी में। दोस्तों आज बॉलिंग में अगर आप देखें तो 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया भारत की टीम ने, और जिसमें से शुभमन गिल ने भी एक ओवर डाला जो कि महंगा था, 14 रन दिया। इसके अलावा अर्षदीप को 2 विकेट मिला और सबसे शानदार गेंदबाजी की अक्षर पटेल जिन्होंने 2 विकेट लिए। इसके अलावा कुलदीप को 1 विकेट मिला और मोहम्मद सिराज को भी 1 विकेट मिला। श्रीलंका की तरफ से आज पहला मैच खेल रहे हैं डेब्यूटेंट प्लेयर मोहम्मद सिराज, और ऐसे में देखने वाली बात है कि जो टारगेट मिला है ये कितना इफेक्टिव होगा। स्लो विकेट है, आसान नहीं होगा रन बनाना, फिर भी देखने वाली बात होगी भारत कैसे करता है इस टफ कंडीशन में बल्लेबाजी।